सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं एक प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि आज पूरे दिन में क्या क्या अपडेट आए, क्या क्या बड़े बड़े फैसले हुए, एग्जाम कैंसिल को लेकर क्या अपडेट है, क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले तो आज की बैड न्यूज़ से। बैड न्यूज़ आप सभी के लिए कॉमन है, कॉमन इसीलिए क्योंकि आप सभी के लिए बहुत बुरी खबर ये है कि आज फिर से इंडिया के अंदर मोर देन 4,200 प्लस लोगों की डेथ हुई है, वो भी कोविड की वजह से। काफ़ी देश के हालात ख़राब है, केसेस कम हो रहे लेकिन डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि केसेस इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग कम हो गई, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इंडिया ने कल ही रिकॉर्ड बनाया है मोर देन 20 लाख केसेस की टेस्टिंग करी है, तो टेस्टिंग कम नहीं हुई है। ये जो लोग सोच रहे हैं उनको मैं बता दूँ, आप न्यूज़पेपर रीड किया करो, आपको जानकारी मिल जाएगी। कल ही इंडिया की जो ICMR है उन्होंने ये बात बताई है कि इंडिया के अंदर कल हाईएस्ट टेस्टिंग हुई है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया कल इंडिया ने एक ही दिन में इतनी सारी टेस्टिंग करके। तो टेस्टिंग कम नहीं हुई है, या तो केसेस को छुपाया जा रहा है या फिर केसेस रियलिटी में कम हुए हैं। केसेस कम हुए हैं या नहीं हुए वो बात की बात है, लेकिन इंडिया के अंदर डेथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है जो काफ़ी डरावना है। चलो अब मैं बात करता हूँ दूसरी बैड न्यूज़ की। दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि जो नेशनल काउंसिल है, जो CBSE का नेशनल काउंसिल ऑफ स्कूल, उन्होंने डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला नहीं दे सकता तो वो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में पर्सनली जाकर इस पर बात करेगी, और वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। नेशनल काउंसिल ऑफ CBSE चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। अब आप में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मेरे को न्यूज़ कहाँ से मिली, तो आपको ये न्यूज़ के प्रूफ मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में दे दूँगा, वहाँ देख लेना। दो ही बैड न्यूज़ याद, अगर मैं बात करूँ गुड न्यूज़ की तो गुड न्यूज़ ये है कि क्योंकि देश में काफ़ी सारे फंगल इन्फेक्शन भी आ गए, कोविड भी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट का एक तरीके से मानना यही है कि मास गैदरिंग सबसे बड़ा इफेक्ट डालेगा इन केसेस को बढ़ाने पे और काफ़ी रिस्क बढ़ेगा इंडिया में। तो अभी मास गैदरिंग को एक बार जितना हो सके दूर रखे और एग्ज़ाम की जितना हो सके कैंसिल को ही बढ़ावा दिया जाए। दूसरी गुड न्यूज़ की बात करूँ तो दूसरी गुड न्यूज़ काफ़ी सारे एजुकेशन मिनिस्टर CBSE को यही दे रहे हैं राय कि CBSE के एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल होए ना होए CBSE की कर देना चाहिए, क्योंकि CBSE काफ़ी बड़े लेवल पे होता है और CBSE के जो बच्चे हैं उनके पास में ऑप्शन है काफ़ी सारे, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के पास में ऑप्शन नहीं है। तो कुछ एजुकेशन मिनिस्टर ने ये राय भी दी है जिससे बच्चों को बेनिफिट भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ तीसरी गुड न्यूज़ की, तीसरी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि जैसे लास्ट ईयर सिलेबस रिड्यूस हुआ था, इस बार भी सिलेबस जुलाई के अंदर रिड्यूस करवाया जा सकता है। ये काफ़ी ही अच्छी न्यूज़ है सिलेबस रिड्यूस को लेकर। अगर मैं बात करूँ चौथी गुड न्यूज़ की, चौथी गुड न्यूज़ ये है जो इंडिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूँ, रमेश पोखरियाल सर की बात नहीं करूँ, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूँ जो हमारे इंडिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से ये कहना है कि जून के अंदर स्कूल्स खोलना पॉसिबल नहीं है, ना ही जून के अंदर एग्ज़ाम लेने पॉसिबल है, लगभग नामुमकिन है। तो मतलब अगर जून में एग्ज़ाम नहीं होते तो जुलाई में लेने भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर जुलाई में एग्ज़ाम होते तो लगभग एक महीने एग्ज़ाम चलते हैं, अगस्त तक आपकी कॉपी चेकिंग होगी और सितंबर में क्या आपका रिजल्ट आएगा, और ये पॉसिबल है नहीं। तो अब यही मानना चाह रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल ही होगी, चारों ही गुड न्यूज़ एग्ज़ाम कैंसिल की ओर इशारा कर रही है। बस इशारों में एग्ज़ाम कैंसिल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ऑफिशियली बहुत जल्दी डिसीजन आ जाएगा। तो आज की सभी गुड न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगी, बैड न्यूज़ भी उतनी बैड नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं खबर वो भी ख़राब ही है। तो अगर आपको आज की वीडियो के अंदर कोई भी न्यूज़ के अंदर आपको लगे कि कोई प्रूफ वगैरह चाहिए तो आप चेक कर लेना एक बार कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पर आपको प्रूफ वगैरह मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपने फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सिंगर पर रहो, सेफ रहो।